वैराग्य की त्रिवेणी होती है। ये तीनों धाराएं अलग अलग होने पर भी एक हैं, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोधः। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रण्यत्र चैसा त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्य तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोनुघासम्। भूखा व्यक्ति भोजन करने लग जाए तो भूख की निवृत्ति होती जाएगी, पेट भरता जाएगा और इंद्रियों में बल आता जाएगा। अब इनको अलग अलग नहीं कर सकते कि पहले हमने भोजन किया, पहले हमारी भूख मिटी, फिर हमारा पेट भरा, फिर हमने हमारी इंद्रियों में ताकत आई। अब इसका अलग अलग विभाग करना कठिन है। अरे अलग अलग नहीं हुआ, तीनों काम एक साथ हुआ। भोजन पेट में जाता गया, पेट भरता गया, इंद्रियों में बल आता गया, भूख की निवृत्ति होती गई, भूख भागती गई। अलग अलग नहीं हुआ, तीनों एक साथ हुआ। उसी प्रकार भगवान के चरणों में प्रेम होने का नाम भक्ति है, भगवत तत्व का बोध होने का नाम ज्ञान है और संसार से विरक्ति होने का नाम वैराग्य है। तो ये तीनों एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं। उसके बाद जनक जी महाराज ने दूसरा प्रश्न किया कि महाराज कृपा करके ये बताइए भक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे उच्च कोटि का जो भक्त है उसकी परिभाषा बताइए। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन नेश भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत कौन है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भाव। रूप रंग अलग अलग हैं, मंदिर अलग अलग हैं, पर सबके अंदर बैठे हुए ठाकुर जी हमारे एक ही हैं। मंदिर हमने बनवाया, मूर्ति हमने बनवाई, प्रतिष्ठा हमने करवाई, तब हमें परमात्मा दिखाई पड़े। पर ये जो मूर्तियां बैठी हैं, ये कौन से जयपुर के कारीगर ने बनाई हैं? ये सारी मूर्तियां भगवान के हाथ की बनी हुई हैं और भगवान ने ही इन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा भी की है। तो भगवान की बनाई मूर्तियों के तो हम जेब काट रहे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, उनके साथ बेईमानी करते हैं, उनके साथ छल कपट करते हैं। और भगवान की मूर्तियों को धोखा देने के बाद में फिर अपनी बनाई मूर्ति के सामने आकर के भजन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तेरा तुझको अर्पण करके प्रार्थना करते हैं। अब बोलो ये भजन होगा? अपनी बनाई मूर्ति में तुम्हें भगवान दिख रहे हैं और भगवान की बनाई मूर्तियों को तुम धोखा दे रहे हो, तो मन में संतोष शांति कैसे मिलेगी भाई? इसलिए सर्वोच्च स्थिति भक्ति की तो वो है कि ब्राह्मण में, संत में, गधा में, चींटी में भी उसे एक ही तत्व नजर आवे, चांडाल में भी वही दिखाई पड़े, कोई अंतर नहीं। घट अलग अलग हैं पर पानी सब में एक है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः, ये उच्च कोटि के भक्तों के लक्षण है। ऐसे जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, विसृजति हृदयम् नयस्य साक्षात् धरिरवशा विहितोऽप्यघौघनाशः प्रणय रसनया घृताङ्घ्रि पद्म सभवति भागवत प्रधान उक्तः। ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान ऐसे जम के बैठ जाते हैं, यस्य हृदय साक्षात हरि न वृषति विसृजति, भगवान ही उसके हृदय को छोड़ना नहीं चाहते। विसृजति हृदयम न यस्य साक्षात हरि, साक्षात हरि यस्य हृदयम न विसृजति। वो भगाना भी चाहे तो भी भगवान उसके हृदय को छोड़ के जाना नहीं चाहते। और एक एक बात बताओ, बढ़िया बंगला हो, रहने को मिल जाए किराए से ही सही, तो जल्दी से कोई उस मकान को, भवन को खाली करना नहीं चाहेगा। तो ठाकुर जी भी हमारे भवन में झांकते ताकते रहते हैं कि किसका मकान कैसा है। पहली बात तो खाली मकान में ही कब्जा होता है, पर जब हमारे मकान के भीतर ठाकुर जी को काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर दिखाई पड़ते हैं, तो भगवान बाहर से ही लौट जाते हैं, समझ जाते हैं हाउसफुल, यहां तो बड़ी भीड़ भरी हुई है, हमारे रहने की जगह ही नहीं है, तो घुसने से फायदा क्या, खिसक जाते हैं।
और सुखदेव जी जैसे परमहंसों का अंतःकरण कामादि दोष रहित है, और जब भगवान ताकते हैं कि भीड़ भी कोई नहीं है, मकान पूरा खाली है, अब थोड़ी सी सफाई की जरूरत है, तो अपनी भक्ति को भेज देते हैं। भगवान के प्राण प्रिया भक्ति प्यारे के स्वभाव से परिचित हैं, वो झाड़ू पोंछा लगा करके उस भवन में ऐसा बढ़िया जगमगा देती हैं, सजा देती हैं कि उनके प्राण वल्लभ प्रियतम देखते ही दीवाने होकर के किसी न किसी खिड़की से कूद करके भवन में घुस जाते हैं, और एक बार घुस पाए तो प्रिया जी के साथ फिर इतना आनंद लेते हैं कि भक्त कहे महाराज बस बहुत हो गया निकलो बाहर, तो भगवान फिर भी उसके भगाने पर भी निकलने वाले नहीं है। इसलिए तो भक्त चुनौती देता है, हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोहे, पर हृदय से जब जाओगे तो सबल कहोगे तो। हृदयात यद निर्यासी पौरुषम गणयामिते, प्रभु आपने धोखा दे के हाथ छुड़ा के तो अपने को बचा लिया, भाग गए, हिम्मत है तो इस भक्त के हृदय से निकल के दिखा दो। विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात हरि, नहीं निकल सकते। भक्तों के लक्षण बतलाए, माया का स्वरूप समझाया, माया से बचने का उपाय क्या है। प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर कहते हैं जो माया से बचना चाहे सबसे पहले वो किसी सच्चे सदगुरु की शरण में जाए। तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम, तो महाराज किसको गुरु बनाए, गुरु का लक्षण क्या है। बोले शाब्दे परे च निष्णातम, सदगुरु ऐसा होना चाहिए जो शास्त्रों का भी ज्ञाता हो और केवल शास्त्रों का ही मर्मज्ञ न हो, जो उसने शास्त्रों में पढ़ा है समझा है उसका उसने अनुभव भी किया हो, प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए। अनुभव गम्य शास्त्र का ज्ञान रखने वाला महापुरुष ही सदगुरु बनने की पात्रता रखता है। ऐसे किसी महापुरुष को खोजो, जैसे बेटी के लिए वर खोजते हो संसार में, ऐसी अपने कल्याण के लिए किसी सदगुरु वैद्य की खोज करो। जिन खो जाते न पाइया, जो खोजते हैं वो उन्हें भगवान अवश्य मिलवाते हैं। फिर केवल जब सदगुरु मिल जाए, देखो डॉक्टर जब दवा दे तो फिर पूछा नहीं जाता कि इस दवा को हम क्यों खाएं, इसमें क्या मिला है, इसे क्या फायदा होगा। वो डॉक्टर से ना आप पूछते हो ना ही डॉक्टर इसका जवाब देगा, हमने कह दिया इसलिए खाओ बस। उसी प्रकार सोच समझ के किसी को सदगुरु बनाओ, और जब पूरा विश्वास सदगुरु के ऊपर सुदृढ़ हो जाए तो फिर आंख बंद कर लो, वो जो कहे सो करो, उसमें फिर कोई उंगली उठाने का स्थान नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा है इसलिए हमें करना है, उन्होंने कह दिया गायत्री पुरस्करण होना चाहिए तो हम कर रहे हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, फल क्या मिलेगा, हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो गुरु आज्ञा का पालन करना है। ऐसी निष्ठा होना चाहिए गुरु वचन में। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, वचन में विश्वास, जैसे वैद्य के वचन पर विश्वास होता है ऐसे सदगुरु के वचन पर सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए। अच्छा महाराज, माया से बचने का उपाय, परमात्मा का स्वरूप क्या है वो बताया, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो कर्म अकर्म और विकर्म तीन प्रकार के कर्मों का वर्णन किया, भगवान के अवतारों का वर्णन किया। हर युग में भगवान के विविध अवतार होते हैं। अजितेंद्रिय पुरुषों की गति क्या होती है वो भी समझाई, और इसके बाद नारद जी महाराज वसुदेव जी को सावधान करते हुए कि अपने पुत्र को सिर्फ बेटा ही न समझो, ये वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म हैं जिनका योगी निर्मुनीन्द्र ध्यान करते हैं, जो तुम्हारे बेटा बनकर के कृष्ण रूप में प्रकट भए हैं, इनमें रति करो, इनमें प्रीति करो, इन्हीं से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और यों कह के नारद जी अंतर्धान हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। देवता आकर के प्रभु से प्रार्थना किए, प्रभु 125 वर्ष पूरे हो गए, घर इधर धरती का पृथ्वी का भी भार दूर हो गया, हम आपके आगमन की प्रतीक्षा में स्वागत में खड़े हैं, पधारे।
भगवान बोले थोड़ा काम और बचा है, अभी आता हूँ, प्रतीक्षा करो। देवता स्तुति करते हुए चले गए। एक दिन उद्धव जी एकांत में प्रभु से मिलकर के बोले, सरकार मैं समझ गया आप जाने की तैयारी में हो, ऐसा ना हो कि आप मुझे छोड़कर के चले जाएं। मैं आपका दास हूं, मुझे अपने साथ में लेके जाइएगा। भगवान बोले, नहीं मित्र, तुम्हें मेरे भक्तों का अवलंब बन के मेरे बाद भी इस धरती पर रहना है, पर प्रभु आपके बिना मैं रहूंगा कैसे। भगवान बोले, सन्यासी बन के रहो। बोले, सन्यासी का स्वरूप क्या होता है? तब भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन करके सन्यास धर्म का उपदेश दिया। पृथ्वी वायुराकाश आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मद्वहा हरिणो मीन पिंगला कुररोर्भक कुमारी सरकृत सर्प ऊण नाभि सुपे सकृत। ये 24 गुरुओं के नाम है। कहते हैं भाई, गुरु तो एक होना चाहिए, 24 गुरु कैसे बना लिए? ये दीक्षा देने वाले गुरु नहीं है, ये शिक्षा देने वाले गुरु हैं। आप जन्मते हैं, उसके बाद जय विद्यालय में प्रवेश करते हैं, एक अक्षर पढ़ाने वाला भी आपका गुरु है। और जब से पढ़ाई चालू करी तब से कितने गुरु ना बने होंगे आपके, जिससे कुछ बात सीखने को मिलती है वो शिक्षा गुरु है। शिक्षा गुरु आप हजारों भी बना लो, पर दीक्षा एक से ही लो। संत एक, मंत्र एक, पंथ एक, ग्रंथ एक और कंत एक, ये 5 चीज एक ही होना चाहिए। एक इष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास, जहां जैसा मौका मिला तहां तैसे बन गए, कभी आड़े कभी ठाड़े तिलक लगा के पहुंचे। एक भरोसो एक व्रत एक आस विश्वास, एक इष्ट होना चाहिए जिसमें पूरी निष्ठा होनी चाहिए। जो मांगो उसी से मांगो, उसी की आराधना करो। देखो, कन्या का विवाह हो गया, अब उसका कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, उसी में पूरी निष्ठा बनावे जिससे विवाह हुआ है, बामर पड़ी है और उसी ने हमारा पाणी ग्रहण किया है। हमारी जिम्मेवारी जिसके हाथ में है हमारे लिए वही सब कुछ है। अब हमारा पति काला सही, कुरूप सही, पंगु सही, रोगी सही, जैसा भी हो, हमारा भरता तो वही है, उसी में हमारी प्रीति है। दूसरा कोई कितना भी सुंदर बना रहे हमारे किस काम का। ऐसे ही पहले तो जैसे कन्या विवाह से पहले स्वतंत्र है चयन करने में, पर विवाह होने के बाद फिर उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार इष्ट बनाने से पहले खूब विचार कर लो तुम्हारी प्रीति और समर्पण किसमें है, और जिसमें हो जाए तो फिर दुविधा जीवन से त्याग दो, उसी को पूरी तरह समर्पित हो जाओ, उन्हीं में पूरी निष्ठा बनाओ। ये नहीं होना चाहिए कि वो बेटा नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा फलानी दरगाह पे चले जाओ तो चादर चढ़ाने चले गए। इसको व्यभिचारिणी भक्ति कहा गया है शास्त्रों में। भक्ति अव्यभिचारिणी होना चाहिए, भक्ति एकनिष्ठ होना चाहिए। सती साध्वी नारी की तरह भक्ति का समर्पण होता है, परंतु शिक्षा आप किसी से भी प्राप्त करो। पृथ्वी पंच महाभूतों से शिक्षा ली है श्री दत्तात्रेय भगवान ने। पृथ्वी, पृथ्वी से सहनशीलता सीखी है, मलमूत्र त्याग रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं, पृथ्वी माता किसी से कुछ नहीं बोल रहे। और पूजन जब होता है तो शोना पृथ्वी नो कह करके पृथ्वी की भी पूजा करते हैं, तो पूजा करने वाले पूजा भी कर रहे हैं, गड्ढा खोदने वाले गड्ढे खोद रहे, पृथ्वी माँ साफ स्वीकार कर रही है, किसी से कुछ नहीं बोल रही। यही सहनशीलता
हमें साधु को सन्यासी को पृथ्वी से सीखनी चाहिए। वायु हवा, हवा से क्या सीखा? दुर्गंध हो या सुगंध, पवन एक समान गति से चलता है। हवा चल रही चल रही है, बदबू आ रही है तो हवा भागेगी नहीं, यहां से जल्दी निकलो, और सुगंध आ रही है तो टिकेगी भी नहीं कि बड़ा खुशबू का वातावरण है थोड़ा ठहर जाए, नहीं, वो सुगंध और दुर्गंध दोनों को पीछे छोड़ करके हवा आगे बढ़ती चली जाती है, रुकती नहीं। उसी प्रकार साधु सन्यासी को असंग होके विचरण करना चाहिए। चलते चलते कभी भगत लोग भी मिल जाते हैं जो खूब सेवा करते हैं, तो उन भक्तों के चक्कर में फंस ना जाए कि सेवा तगड़ी चल रही है, चलो यहीं दो चार दिन और आनंद लें। और कभी कभी दुष्टों का भी संग मिल जाता है, जहां खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, रूह की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती है, तो घबरा के वहां से भागे नहीं कि यहां तो कोई सेवा ही नहीं है। दोनों में समान गति से साधु को विचरण करना चाहिए। कभी किसी साधु को सन्यासी को एक घर से कभी भिक्षा नहीं लेना चाहिए। एक घर से यदि लगातार 12 वर्ष कोई साधु भिक्षा प्राप्त करे खावे तो उस घर में आसक्ति हुए बिना नहीं रह सकती, फिर उस घर के सुख दुख साधु को भी प्रभावित करने लग जाएंगे। इसलिए सब में समान प्रीति रखने के लिए स्वच्छंद साधु को विचरण करना चाहिए, क्योंकि एक की सेवा ज्यादा स्वीकार करोगे तो फिर उसमें आसक्ति हुए बिना नहीं रहेगी। इसलिए विचरे दसंग, असंग भाव से विचरण करे, कैसे? जैसे हवा दुर्गंध सुगंध सबको छोड़ती हुई आगे बढ़ती है, साधु ऐसी असंग से भाव से विचरण करे। आकाश जैसे सर्वत्र विद्यमान है, ऐसे भगवान की सर्वज्ञता का अनुभव करना चाहिए। जल को गुरु बना के सीखा, जल मूल रूप में निर्मल और स्वच्छ होता है। आप कहोगे हमने तो गर्म पानी भी देखा है, तो गर्म पानी किया है तब हुआ है, गर्म होता थोड़ी है, पानी की प्रकृति गर्म नहीं है, पानी की मूलभूत प्रकृति तो शीतल है। अब आपने गर्म कर भी दिया, थोड़ी देर तक रख दो, अपने आप वो मूल प्रकृति में आ जाएगा, थोड़ी देर में ही वो ठंडा पुनः झोंका तो शीतल हो जाएगा। आप कहोगे हमने तो पानी गंदा भी देखा है, देखा होगा, पर गंदे पानी को भी तुम्हें थोड़ी देर के लिए रख दो, गंदगी तो बाहर से आई हुई है, आगंतुक दोष है, थोड़ी देर रख दो, थोड़ी देर में ही सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी, पानी मूल रूप से निर्मलता के साथ ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मूल प्रकृति निर्मल है, गंदगी तो की जाती है। हमारी मूल प्रकृति क्या है? शांत और सुखी। ये हमारी चेतन अमल सहज सुख राशि है हम सब, क्योंकि ईश्वर के अंश हैं, उन्हीं के बेटे हैं, तो फिर हम दुखी क्यों होते हैं? ये आगंतुक दोष है, ये आगंतुक। हम क्रोधी क्यों होते हैं? ये भी आगंतुक बीमारी है। कोई व्यक्ति सदैव शांत तो रह सकता है क्योंकि उसका मूल स्वरूप है शांति, पर कोई व्यक्ति हमेशा क्रोध में भरा हुआ नहीं रह सकता, पागल हो जाएगा। क्रोध उसका स्वभाव नहीं है, क्रोध तो आगंतुक दोष है। जैसे शरीर में कोई बीमारी आती है, ये आगंतुक दोष है, बीमार शरीर का गुण थोड़ी है। जब कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं भैया तुम बीमार हो कैसे गए, तो बीमार क्यों हुए ये तो प्रश्न होता है, पर किसी से हम ये प्रश्न नहीं कर सकते तुम स्वस्थ क्यों हो, ये कोई प्रश्न है? स्वस्थ होना हमारा स्वरूप है, स्वस्थ हमारी प्रकृति है, रोगी होना ये आगंतुक दोष है। तो रोगी से तो प्रश्न किया जा सकता है, स्वस्थ से प्रश्न नहीं बनता। ऐसे ही जल की मूल प्रकृति निर्मल है और शुद्ध प्रकृति है, शीतलता है। साधु को भी जल की तरह शीतल और निर्मल होना चाहिए, स्वयं पवित्र रहे, दूसरों को भी पवित्र रखे, ये साधु का स्वरूप होना चाहिए। ये जल से मैंने सीखा, अग्नि को भी गुरु बना के सीखा। बोलो राधे राधे।
सूर्य को भी गुरु बनाया, चंद्रमा को भी गुरु बनाया, सारी प्रकृति का। इन्होंने किसी व्यक्ति विशेष से दीक्षा नहीं ली है, व्यक्तियों से भी लिया है, जिससे जहां जो बात अच्छी लगी ग्रहण कर ली। सूर्य भगवान को देखो अपनी तेज किरणों से ग्रहण करते हैं पृथ्वी का रस। सविता गोभी रसम भूंगते, गर्मियों में रस ग्रहण करते हैं किरणों से, और बरसात में उन्हीं किरणों से वही रस वनस्पतियों में डाल देते हैं। साधु को भी चाहिए, साधुओं के पास खूब चढ़ावा आता है, किसी ने रुपया चढ़ाया, किसी ने कंबल चढ़ाया, किसी ने सौल उड़ाया, जो आता है स्वीकार करो, और जो आ गया जब देखा कि बहुत आ गया तो लगा दो कहीं, बोले चलो साहब इतना रुपया हो गया भंडारा करा दो। समाज से आया, समाज की सेवा में ही लगाया, उसमें आसक्ति मत रखो ये मेरा माल है। आसक्ति हुई कि बंध जाओगे, चक्र में पड़ जाओगे। जैसे सूर्य भगवान ने किरणों से रस लिया और किरणों से ही रस दिया, ऐसी समाज से लो, समाज की सेवा में ही लगा दो। ये सूर्य से सीखा, चंद्रमा से क्या सीखा? हम लोग कहते हैं आज अष्टमी है इसलिए आधे चंद्रमा है, अरे आज तो पूर्णिमा हो गई, पूरे हो गए। चंद्रमा आधे पूरे नहीं होते, चंद्रमा की कलाओं में घटना बढ़ना होता है। ऐसी हम जो व्यवहार करते हैं, ये बुढ़े हो गए, ये तो अभी बच्चा है, ये जवान है, ये शरीर का धर्म होता है, बच्चा होना, बुढ़ा होना, जवान होना, आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं। आत्मा इन अवस्थाओं से परे है, अवस्था शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। ऐसे ही घटना बढ़ना चंद्रमा की कलाओं में होता है, चंद्रमा में घटना बढ़ना नहीं होता। इस प्रकार 24 गुरु बनाए, हाथी को भी गुरु बनाया। हाथी पकड़ने वाले ने क्या किया कि बड़ा गड्ढा खोदा और उसको नकली घास से ढक दिया और एक काठ की हथनी बना करके खड़ी कर दी उस गड्ढे के पास। हाथी बहुत बुद्धिमान होता है और सबसे ज्यादा भारी शरीर और वजन उसमें होता है, इसलिए वो चलता है तो उसकी चाल बड़ी मस्त होती है। और चलते समय हाथी हमेशा एक पैर से पूरा वजन डाल के देख लेता है, या तो उसे तनिक भी खतरा लगता है कि ये धरती फिसल जाएगी, माने गड्ढा है इसमें, तो पहले दबाव लगा के पुल पे जाएगा, तो हमेशा हाथी पुल पर पैर रखने से पहले वजन को नाप करके देखता है कि पुल मेरे वजन को सहन कर पाएगा कि नहीं। इतना विवेक होता है उसमें, बहुत संभल के चलता है जंगल में। किंतु जब उसी बुद्धिमान हाथी को हथनी दिखाई पड़ती है, वो भी काठ की है, वह दूर से हथनी को देखते ही वो एकदम उसकी बुद्धि शून्य हो जाती है, विवेक शून्य हो जाता है, और कामांध होकर के हथनी से मिलन के लिए दौड़ पड़ता है, और उसी अवस्था में सीधा जाके गड्ढे में गिरता है। गड्ढे में गिरते ही फिर महीनों तक उसे भोजन नहीं मिलता, मार मार के घायल कर देते, अंत में उस बेचारे को घर घर का भिखारी बनना पड़ता है। जो जंगल का गजराज था वो आज दास बन के घर घर का भिखारी बन गया। उसको गुरु बना के सीखा, पदापि युवतिर भिक्षुर नस्प्रशे दारमीव। सन्यासी को काठ की स्त्री का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, चैतन्य की तो बात कौन कहे। माताओं का कर्तव्य है साधु सन्यासियों को हमेशा दूर से दंडवत प्रणाम करना चाहिए, सिर झुका के। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा आपके व्यवहार से दिखाई पड़ती है, और संत को आशीर्वाद देना है तो वो हृदय से अपने आप उनका आशीर्वाद दृष्टि मात्र से प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए स्पर्श करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि स्पर्श का पूरा प्रभाव मन पर पड़ता है। यदि किसी ने दुर्वासना से साधु का स्पर्श कर दिया तो साधु का चित्त भी विकृत हो जाएगा और उसके पतन का हेतु आप भी बन सकते हैं। इसलिए साधु सन्यासियों को श्रद्धापूर्वक दूर से ही सिर झुका के प्रणाम करो,
धरती में सिर रख करके दंडौत करो, पर सबका स्पर्श नहीं करना चाहिए। साधु को भी स्पर्श से बचना चाहिए। ये दत्तात्रेय भगवान का वचन है। पदापि माने पैर से भी, हाथ की तो बात छोड़ दो, आपने किसी साधु सन्यासी को दंडौत किया, चरण पकड़ के प्रणाम किया, माथा चरणों में धर दिया और महाराज जी भी पीठ ठोक ठोक करके आशीर्वाद दे रहे हैं, ये दत्तात्रेय जी भगवान निषेध करते हैं। हाथ की कौन कहे, चरण के द्वारा भी स्त्री का स्पर्श न करे सन्यासी। और वो भी कौन सी, बोले काठ की बनाई हुई। पदापि युवतिर भिक्षुर न स्पर्शे दारवीमपि, दारू दारू माने लकड़ी, न स्पर्शे दार